साल 2024 का चुनाव जैसे करीब आ रहा है, लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, कई सारी चीजें सामने आ रही। कुछ चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी को हैरान करने वाली है, क्योंकि 2014 से लगातार हम ये देख रहे थे कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तमाम तरह के सवालात उठ रहे थे, ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दे दिया है केंद्र को और कहा है कि अब जो है इलेक्शन कमिश्नर का चयन होगा उसमें जो है ऑपोजिशन के लीडर को भी शामिल करना होगा और मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल करना होगा। इससे पहले जब इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव ये चयन होता था तो उसमें सिर्फ राष्ट्रपति शामिल होते थे और राष्ट्रपति अपने हिसाब से प्रधानमंत्री से मशवरा करते थे और जिस पार्टी के भी राष्ट्रपति होते थे वो अपने पार्टी के मुखिया के मशवरे से ही किसी दूसरे जो है इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करते थे, चयन करते थे। अब सवाल महत्वपूर्ण यह हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने एक फैसला सुनाया। उस फैसले में यह कहा गया है कि अब जो नया इलेक्शन कमिश्नर चुना जाएगा या जो इलेक्शन कमिश्नर का चयन होगा उसके लिए जो है लीडर ऑफ अपोजिशन को चुनना पड़ेगा, विपक्षी लीडर को चुनना शामिल करना पड़ेगा, मुख्य न्यायाधीश को शामिल करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जैसे शामिल होते प्रधानमंत्री को भी शामिल करना पड़ेगा। यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के चयन के लिए आप तीन लोगों का होना अनिवार्य हो गया है। सिर्फ राष्ट्रपति आप जो है इस मामले में जो है अपने तरफ से जो है किसी नाम को नहीं देंगे बल्कि जो है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होते तो लोकसभा में जो है सत्ता के बाद जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके मुखिया को इसमें शामिल कर दिया जाएगा। आज जिस तरह से जो है इस मामले में 2 मार्च को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया उसमें जो है कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं और केएम जोसेफ लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन पर और जिस तरह से 2014 के बाद लगातार जो ईवीएम से चुनाव हो रहे उस चुनाव पर कई सारे सवाल खड़े करते आ रहे थे। अब आपको बताते हैं कि सीनियर काउंसिल गोपाल संग नारायण और उसके साथ जो है प्रशांत भूषण के तरफ से एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था जिसमें जो है इलेक्शन कमिश्नर के चयन पर सवाल उठाए गए थे। उसी को लेकर जो है आज जिस तरह से जस्टिस केएम जोसेफ, उसके साथ अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रवि कुमार की तरफ से जिस तरह से अभी आज जो एक फैसला सुनाया गया है, केंद्र को निर्देश जारी कि वो कहीं ना कहीं जो है विपक्षी दलों के लिए खुशी की खबर होगी, क्योंकि विपक्षी दल हमेशा जो है ईवीएम को लेकर, इलेक्शन कमिश्नर को लेकर बातचीत कर रहे थे। 2022 में ही अभी यहाँ पर राजीव कुमार जी का जो है इलेक्शन कमिश्नर के लिए चयन हुआ है और 2025 तक लोकसभा के चुनाव तक के बाद तक वो एक साल जो है अपना कार्यकाल संभालेंगे। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले सामने आए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सामने आया, उससे जो है तमाम ओपोजिशन के लोग किस तरह से देखते हैं और क्या इस फैसले के बाद जो है साफ सुथरा इलेक्शन होने की बात सामने आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि 2014 के बाद जिस तरह से ईवीएम से इलेक्शन सामने आए उससे कई सारे सवाल जो है सत्ता के मन में उठ ही रहे होंगे और विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा था। हालांकि 2022 में भी केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय के तरफ से तमाम तरह के जो है सवाल उठाए जा रहे थे और 2022 में भी केएम जोसेफ के तरफ से ये सवाल उठाए गए थे और जिसमें 1990 में जो इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे देश के चुनाव आयोग के जो हेड थे टीएन सेशन का हवाला दिया गया था और कहा था कि अब जो है इलेक्शन कमिश्नर को टीएन सेशन जैसा होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने चुना था और कांग्रेस के कई सारे लीडरों को टीएन सेशन ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था या इलेक्शन का पर्चा रद्द कर दिया था, उसके बावजूद भी उस जमाने में जो है इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता होती थी, मगर अब शायद 2024 में, 2022 में या 2023 में इन तमाम तरह के सवालों का ऊपर जो है लगातार चर्चा हो रही है और इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका को लेकर सवाल उठ रही है। जिस तरह से पीआईएल दाखिल हुआ और उस पर जो है केएम जोसेफ साहब की तरफ से या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता के एक बेंच की तरफ से जो फैसला सामने है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और विपक्षी लीडरों के लिए एक नया जो है कह सकते हैं कि सुकून की नींद लेने वाला एक जो है पल ज़रूर हो सकता है। अब देखते हैं कि इस फैसले के बाद हिंदुस्तान का चुनावी प्रक्रिया किस तरह से बदलता है या उसी तरीके से ईवीएम किसी लीडर के घर में या किसी गाड़ी में पकड़े जाएंगे। रजान सारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।